मैं इतनी सुंदर होती, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। और मुझे पता था कि ये पेंटिंग करते हैं, लेकिन ये बिंदिया ने सजेस्ट किया उनको, तो आई मस्ट से थैंक्स टू बिंदिया, क्योंकि बिंदिया ने कहा कि जब आप अपने आर्टिस्टों के साथ, जिन जिनके साथ काम किया, उनके स्केच बनाइए, तो उसके लिए स्पेशली हमको बुलाया गया था। एक्चुअली उनकी जब बर्थडे थी, अमोल जी का बर्थडे जब था, हम टाइम आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, शूटिंग कर रही थी, इसलिए मैं आ नहीं पाई, तो उसके लिए बहुत अफसोस है। बट दिस टाइम जब उन्होंने जब मुझे बुलाया, मैंने कहा मैं तो ज़रूर आऊँगी। मैंने कहा मेरी ही, मैंने कहा पेंटिंग नहीं, स्केच, मैंने कहा मैं स्केच बनाऊँगा। तो मैंने कहा दैट्स वेरी एक्साइटिंग, ऐसे वैसे तो मैं आ ही रही थी, और स्केच बनाने लगे, उसके बाद बनने के बाद इतना अच्छा रूप धारण किया स्केच ने, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। नहीं, कन्विंस करने की कोई बात नहीं थी, उनको भी ये अच्छा लगा। एक्चुअली ये ज़रूर कहना चाहिए कि अभी फ़िलहाल मैं, मेरी जो बर्थडे हुई थी, तो बर्थडे में हम लोग सब मिले इतने सालों बाद, और चूंकि आई कंप्लीटेड 70, 70 साल का हो चुका हूँ, तो इसलिए ये थोड़ी मेरे बीवी ने, संध्या ने, एक बड़ी पार्टी अरेंज की थी, और इस पार्टी में ये सब लोग आए थे, सारे मेरी पुरानी हीरोइंस, मेरे गायक, मेरे दोस्त, मेरे टेक्नीशियंस, जितने जितने इतने सालों से हम लोग करीब रहे हैं, वो सब वहाँ आए थे। तो वहाँ पे बिंदिया ने ये फरमाइश की, उसने कहा कि अमोल, तुमने बातों बातों में जो फिल्म की थी, उसमें तुमने टीना मुनिम की पोर्ट्रेट बनाई थी, फिल्म में भी बनाई थी, तो बाकी सब हीरोइन अभी बाकी है, इंतज़ार कर रही हैं। अच्छा। तो आप क्यों ना हम लोगों का भी, मैंने कहा बड़ी अच्छी आइडिया है, चलो इसी बहाने मेरा एग्जीबिशन भी है, वहाँ आप लोग आ जाओ और मैं आपकी स्केच बनाऊँगा। नहीं, इस तरह की ड्रीम्स कभी कुछ मैं रखता नहीं। अच्छा। मैं लेकिन ये हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा और भी ये लगा कि इतने सालों बाद, 30 साल बाद, 25 साल बाद, 40 साल बाद, हम सब लोग मिले, और ऐसा लगा नहीं कि बीच में इतना अरसा गुजर गया। उसी प्यार से, उसी मोहब्बत से, उसी अफेक्शन के साथ हम लोग जो मिले, तो बीच का जो ये पूरा अरसा था वो बिल्कुल गायब हो गया, और वो ज़्यादा अच्छी फीलिंग है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। नहीं, मुझे अच्छा लगा कि अमोल ने स्केच बनाया, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, इतने साल का एसोसिएशन है हमारा, और बनता रहेगा हमेशा आगे भी, तो इनके साथ काम करके अच्छा लगा था। हाँ, जब देंगे ले जाऊँगा, घर पे सब लोग हैं, उनको दिखाऊंगा। Thank you.